वेलकम बैक टू टेक थेरेपी। मैं हूं जाहिद अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू लेकर के आए हैं आपके लिए OnePlus की U सीरीज का OnePlus U1S 50 इंच 4K अल्ट्रा एचडी टीवी। OnePlus U सीरीज का जो टीवी है दोस्तों, ये Y सीरीज के अपर वेरिएंट में आता है, उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के अंदर मैंने इसे आपको रिकमेंड भी किया था और मैंने इसको परचेज भी किया है Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे। नॉर्मल प्राइस इसका 37,000 के अराउंड था 50 इंच वाले वेरिएंट का। सबसे पहले आप अनबॉक्सिंग देख लीजिए टीवी की। जब आप इसको ओपन करते हैं तो बहुत बड़ा बॉक्स आपके सामने नजर आता है। सबसे ऊपर आपको बॉक्स के अंदर मेटल के स्टैंड देखने को मिल जाएंगे टीवी के साथ, और ये जो स्टैंड है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं मेटेलिक स्टैंड। फिर आपको देखने को मिल जाएगा इस टीवी का एक बहुत बड़ा पैकेट, जहाँ पे आपको रिमोट मिल जाता है, बैटरीज मिल जाती हैं, पावर कॉर्ड देखने को मिलती है। पावर कॉर्ड की जो क्वालिटी है वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी दी गई है। बेस स्टैंड के साथ साथ आपको वॉल माउंट का स्टैंड भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप इस टीवी को अपने वॉल पे लगा पाएंगे। डिज़ाइन एंड लुक्स की बात करते हैं दोस्तों, इस टीवी का जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलता है। काफ़ी स्लीक स्टनिंग डिज़ाइन प्रोवाइड किया है OnePlus ने अपने U सीरीज़ के इस स्मार्ट टीवी में। जो थिकनेस है इस टीवी की काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा स्लिम बनाया है उन्होंने इस टीवी को। इस टीवी में आपको बेजल लेस डिस्प्ले देखने को मिलता है और जो स्क्रीन टू बॉडी का रेशो है वो 95.7% का है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें दोस्तों, तो इस टीवी में आपको काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। जो एक प्रीमियमनेस होती है टीवी की, वो ये आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करने वाला है। जो इसका बैक पैनल है वो भी यहाँ पे पूरा का पूरा मेटल बॉडी के साथ आता है, और जो मेटेलिक स्टैंड है वो भी काफ़ी अच्छी ग्रिप इस टीवी को प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल भी हिलता नहीं है, काफ़ी अच्छी पकड़ बना के रखता है टेबल के ऊपर। तो मेटेलिक स्टैंड और मेटल बॉडी जो है काफ़ी अच्छा स्टेप है OnePlus की तरफ से। रिमोट की बात करें अगर हम, जो OnePlus आपको प्रोवाइड कर रहा है इस टीवी के साथ, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। पूरा इसमें आपको प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलता है, इसमें कहीं भी मेटेलिक फिनिश नहीं आता है। जो साइज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, इन हैंड फील काफ़ी अच्छी है इस रिमोट की, और जो प्लास्टिक बॉडी जो दी है इस रिमोट की काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। ऐसी कोई आपको सस्ता सा फील नहीं आएगा, ये काफ़ी अच्छा डिसेंट क्वालिटी का रिमोट है। और जो बटन्स भी देखने को मिलते हैं काफ़ी काम के आपको मिलते हैं इस रिमोट के अंदर। नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो के आपको सेपरेट बटन्स दिए गए हैं जो मोस्ट ऑफ द यूजर्स यूज़ करते हैं। गूगल वॉइस असिस्टेंट का फीचर यहाँ पे आपको मिल जाता है, रिमोट के ऊपर ही आप डायरेक्टली कमांड दे करके टीवी को ऑपरेट कर पाएंगे। म्यूट का बटन भी दिया गया है, पावर ऑन ऑफ का बटन भी है, और जो पूरा व्हील है जिससे आप इसको कंट्रोल करेंगे उसका भी साइज काफ़ी अच्छा है। फर्स्ट सेटअप की बात करें, काफ़ी ईजी टू सेटअप रहता है। रिमोट से आप इसको पेयर कर लीजिए अपने नॉर्मल एंड्रॉइड टीवी की तरह। लैंग्वेज वगैरह आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है और इसको अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिएगा टीवी को। उसके बाद यहाँ पे आपकी होम स्क्रीन ओपन हो जाएगी। डिस्प्ले क्वालिटी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। OnePlus ने इस टीवी के अंदर जो पैनल यूज़ किया है वो है VA पैनल। VA पैनल IPS पैनल्स के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बेटर होता है। यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे व्यूइंग एंगल्स देखने को मिल जाते हैं, कलर रिप्रोडक्शन थोड़ी सी ज़्यादा बेटर होती है IPS पैनल्स के मुकाबले में। जो ब्लैक्स होते हैं, डीप ब्लैक्स होते हैं, वो ये आपको ज़्यादा बेटर शो करता है VA पैनल IPS के मुकाबले में। इस टीवी के अंदर OnePlus ने 1 बिलियन कलर्स प्रोवाइड किए हैं। इसके अंदर आपको HDR10, HDR10+, HLG, गामा इंजन और MEMC जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको दिया जा रहा है काफी ज्यादा वाइड कलर गैमेट, 93% का DCI P3 देखने को मिलता है। तो जो कलर एक्यूरेसी है इस टीवी की काफी ज्यादा जबरदस्त है इस प्राइस पॉइंट पे। MEMC टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज की गई है, तो इसका मतलब यह है कि जो आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है एक्शन सीन्स का, एक्शन मोड का, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा। एक स्मूथ एक्सपीरियंस आएगा। आप कोई मूवी वॉच आउट कर रहे हैं, कोई आप स्पोर्ट का मैच देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपको फ्रेम वहाँ पे नज़र आएंगे MEMC टेक्नोलॉजी की वजह से। और पर्सनली मुझे जो इसके कलर्स हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं। जो कॉन्ट्रास्ट ये मैनेज कर लेता है टीवी, वो इस प्राइस पॉइंट पे 30,000 के प्राइस पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। हाई डायनेमिक रेंज की बात करें तो काफ़ी अच्छे से ये टीवी परफॉर्म करता है। HDR कंटेंट बहुत बढ़िया तरीके से आप इसमें देख पाएंगे, कोई भी इश्यूज़ वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। डिटेलिंग्स भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से शो होती है। जो शार्पनेस है वो भी काफ़ी बढ़िया है। जो नेचुरल टोन है कलर्स की वो आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको सेपरेट मोड भी दिया गया है, नेचुरल मोड का। अगर आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं तो जो कलर्स हैं वो काफ़ी हद तक नेचुरल ये शो करता है। व्यूइंग एंगल्स भी साइड से काफ़ी अच्छे हैं इस टीवी के। ब्लैक इफेक्ट जो आ जाता है टीवी में साइड से, कलर यहाँ पे डिग्रेड होते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है इस टीवी में। VA पैनल का यही बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलता है। Dolby Vision का जो सपोर्ट है काफ़ी अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म कर जाता है। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। Netflix में आप कुछ वॉच करना चाहें, Disney+ Hotstar में कोई मूवी आप देख रहे हैं और Dolby Vision में देखना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इस टीवी में आपको अलग अलग पिक्चर मोड देखने को मिल जाएंगे। स्टैंडर्ड मोड है, AI पिक्चर मोड है, विविड है, आई कंफर्ट, मूवीज़, HDR10+, स्पोर्ट्स, इमेजेस, इस तरह से काफ़ी मोड्स हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मोर सेटिंग्स के अंदर आपको कलर टेम्परेचर, अडेप्टिव कॉन्ट्रास्ट, डिजिटल नॉइस रिडक्शन, स्मूथ ग्रेडेशन, अल्ट्रा स्मूथ मोशन, कलर स्पेस जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिन सेटिंग्स को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग्स के अंदर आपको HDR मोड यहाँ पे ऑटो और ऑफ का ऑप्शन देगा, आप अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं। देन आपको गामा के भी ऑप्शन देखने को मिलता है, गामा यहाँ पे ऑलरेडी मीडियम पे सेट रहता है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको कलर गामा एडजस्टमेंट पॉइंट भी मिल जाते हैं, जिनको आप अपने कस्टम तौर पे सेट कर सकते हैं। ब्राइटनेस लेवल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 300 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है, भले ही ये 300 निट्स है लेकिन यहाँ पे मुझे ब्राइटनेस में कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है इस टीवी के अंदर। व्यूइंग एंगल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं ड्यू टू VA पैनल। VA पैनल का ये फायदा रहता है कि आप साइड से भी टीवी को वॉच करते हैं तो वहाँ पे कलर में कोई भी डिग्रेडेशन नहीं आती है, एग्जैक्ट कलर आपको सभी साइड से नजर आते हैं। तो एट लास्ट मेरा यही कहना है कि अकॉर्डिंग टू द प्राइस पॉइंट जो डिस्प्ले पैनल है इस टीवी का काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का यूज हुआ है। ये टीवी करंटली वर्किंग है एंड्रॉयड 10 के वर्जन के ऊपर, साथ ही साथ ये आता है ऑक्सीजन प्ले के सपोर्ट के साथ, जहाँ पे आपको अराउंड इंस्टॉल्ड 16 OTT एप्लीकेशंस का सपोर्ट मिल जाएगा। क्रोमकास्ट, बिल्ट इन, गूगल वॉइस असिस्टेंट, साथ ही साथ फार फील्ड वॉइस कंट्रोल का भी सपोर्ट आता है। तो इसका फायदा ये है कि आप बिना रिमोट का इस्तेमाल किए डायरेक्टली वॉइस कमांड का भी यूज कर पाएंगे। इस टीवी के बेस में आपको देखने को मिल जाएगा फार फील्ड माइक का स्विच, जहां से आप उसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो ये टीवी आपको डुअल बैंड वाईफाई के सपोर्ट के साथ देखने को मिलता है, यहाँ पे ब्लूटूथ 5.0 का यूज हुआ है। 3 HDMI के पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से जो एक पोर्ट है वो HDMI EARC का है। 1 LAN का पोर्ट यहाँ पे दिया गया है, 1 AV के इनपुट का पोर्ट है, 1 डिजिटल ऑडियो आउटपुट एंड 2 USB के पोर्ट्स भी मिलते हैं। कनेक्टिविटी के मामले में टीवी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि यहाँ पे आपको OnePlus की Connect 2.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इसका फायदा यह है कि आप डायरेक्टली अपने स्मार्टफोन को अपने टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं फॉर कंट्रोलिंग द टीवी। आप अपने स्मार्टफोन को यूज कर सकते हैं अपने टीवी को ऑपरेट करने के लिए विदाउट रिमोट, तो ये काफी अच्छा फीचर है OnePlus की कनेक्ट ऐप का। साउंड की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आपको 30 वॉट के स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, जो कि डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करते हैं एंड ये इंटीग्रेटेड स्पीकर्स हैं, अलग से आपको साउंड बार देखने को नहीं मिलती है इस टीवी के अंदर। साउंड क्वालिटी भी इस टीवी की मुझे यहाँ पे काफी अच्छी लगी है। अकॉर्डिंग टू द प्राइस पॉइंट 30 वॉट के स्पीकर्स काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं आपको। एक बार आप भी ऑडियो टेस्ट सुन लीजिए। साउंड मोड में आपको डॉल्बी ऑडियो का ऑप्शन देखने को तो ज़रूर मिलता है, लेकिन जो इसका असली मज़ा है वो आपको एक साउंड बार ही प्रोवाइड कर सकती है, जाहिर सी बात है। बाकी आपको यहाँ पे काफ़ी सारे मोड्स देखने को मिल जाते हैं, स्टैंडर्ड ऑप्शन है, सराउंड साउंड है, क्लियरिटी है और एक यूज़र मोड भी दिया गया है। OnePlus के इस टीवी का खास फीचर ये है कि आप अपना एक इकोसिस्टम बिल्डअप कर सकते हैं। अगर आपके पास OnePlus के ईयरबड्स हैं तो आप डायरेक्टली उनको पेयर कर सकते हैं, आप अपने कान में डायरेक्टली सुन सकते हैं, कुछ भी आप सुनना चाह रहे हैं, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हैं, काफ़ी सीमलेसली ये कनेक्ट हो जाते हैं। ऑक्सीजन प्ले का दोस्तों जो पूरा इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। आपको यहाँ पे अपनी पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस देखने को मिलती हैं, जो आप नॉर्मली इस टीवी पे वॉच करते हैं ये आपको अपनी तरफ से रिकमेंडेशन शो करता है, जो काफ़ी आसान कर देता है आपके लिए टीवी के इंटरफेस के साथ कम्युनिकेट करने में। यहाँ पे आपको होम पेज देखने को मिलता है, जो कि आपको शो करता है कि ऑक्सीजन प्ले के ऊपर क्या कुछ नया आया है, मोस्ट वॉच शोज आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे लाइव टीवी भी देख सकते हैं, क्या कुछ अभी लाइव चल रहा है, तो लाइव चैनल्स का सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड कर देता है ऑक्सीजन प्ले। इसी तरह से सेपरेट पेजेस यहाँ पे ऑलरेडी आपको नजर आते हैं, स्पोर्ट्स का सेक्शन है, म्यूजिक का सेक्शन है, लाइव टीवी सेक्शन है, किड्स का भी सेपरेट सेक्शन दिया गया है, तो किड्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। ओवरऑल जो पूरा एक्सपीरियंस है इस OnePlus के टीवी का काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। कोई भी ऐप्स आपको ओपन करनी हो तो बिल्कुल भी लैग देखने को नहीं मिलता है, आप पूरा यहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं इसके UI के साथ, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। लास्ट में दोस्तों बात कर लेते हैं अपने ओपिनियन के बारे में कि ये टीवी कैसा रहने वाला है अगर आप इसको परचेज़ करने के लिए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपका बजट 30,000 से 35,000 के अराउंड है तो मेरा यही कहना है कि ये टीवी काफ़ी अच्छी चॉइस रहने वाली है आपके लिए। काफ़ी अच्छी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है, मेटल के स्टैंड आते हैं, मेटेलिक बॉडी देखने को मिलती है, जो डिस्प्ले पैनल यूज़ किया गया है VA पैनल है, काफ़ी अच्छे आपको व्यूइंग एंगल्स दिखाता है, कलर वाइब्रेंसी इस टीवी की काफ़ी अच्छी है, कलर एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी है, ब्राइटनेस लेवल काफी तगड़े हैं। OnePlus की जो कनेक्ट 2.0 की ऐप है उसका भी आपको मजा देखने को मिलता है। OnePlus के ईयरबड्स अगर आपको कनेक्ट करना हो वो भी आप आसानी से इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। जो एक OnePlus का इकोसिस्टम है उसका आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलता है इस टीवी को इस्तेमाल करके। साउंड क्वालिटी भी काफी डिसेंट क्वालिटी की है। 30 वाट के स्पीकर्स एडिक्वेटली लाउड हैं। बेस इफेक्ट तो उतना आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको डेफिनेटली एक साउंड बार परचेज करनी पड़ती है। आप कोई भी टीवी परचेज कर लें, डॉल्बी एटमॉस का मजा आपको तब ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। OnePlus U सीरीज का U1S वेरिएंट था ये 50 इंच वाला जिसका हमने रिव्यू किया है। इसका बेस्ट बाय लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, टीवी अच्छा लगा हो तो इसको आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टीवी से रिलेटेड हम बहुत ही जल्द रिप्लाई करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, और चैनल पे पहली बार आपने वीडियो देखी है तो टेक थेरेपी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। फिर मिलेंगे आप सभी से एक और नई एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा इसी तरह। हैव अ नाइस डे।